हे गाइस व्हाट्स अप। आज हम एक क्विक डिस्कशन करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जून 2019 से दिसंबर 2019 2019 तक के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। वाजिराम एंड रवि ने अपनी जो क्विक रिवीजन, इनकी जो बुक है प्रीलिम्स 2020 के रिलीज हुई है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो आपको लगता है कि आपके स्किप हो गए हैं, दूसरे सोर्सेज से आपके कवर नहीं हुए हैं, तो आप एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर सकते हैं। तो एक बार ट्रेंड की अगर हम बात करें तो देखिए, ट्रेंड जो यूपीएससी का रहा है वो आप इसको देख सकते हैं डाटा को स्क्रीनशॉट से, लेकिन एनवायरनमेंट का आप सभी को पता है कि एक अच्छा ट्रेंड रहा है। अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैटिक पोर्शन से भी और करंट अफेयर्स से भी। करंट अफेयर्स का भी वैसे स्पेशली ओवरऑल बात करें तो अच्छा वेटेज होता है। तो देखिए, अगर आपको स्टैटिक पोर्शन आपका कवर नहीं हो पा रहा है, एक संकर से आपको डिफिकल्ट लग रहा है या नहीं हुआ है अभी तक, तो आप रोमन सैनी सर के वीडियो जन अकेडमी पे देख सकते हैं। डायरेक्ट यूट्यूब पे जाके भी आप उनको सर्च कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम हैं और आपको एनवायरनमेंट समझ नहीं आ रहा है तो भी आप विमल सिंह राठौर सर के वीडियोज देख सकते हैं, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। लीजिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं। ये जो राइट साइड में जो आर्टिकल्स हैं ये सारे साइंस के हैं, तो आपको इनको नहीं देखना है। आप ये है मिहिर सा कमेटी, वेस्टलैंड एटलस है, नेलोपोर्ट्स ग्रेटी, ओजोन होल, वाइट जो बिलबर्ड है, सारन सिल्वर एंट है, इंडिया प्लांट्स फर्स्ट एवर स्नो लियोपर्ड है, C14 सिटीज, एम हरियाली, प्लॉगिंग, क्लाउन फिश, ग्रीन क्रैकर्स, इमिशन गैप रिपोर्ट है, IPCC रिपोर्ट ऑन ओशियन एंड क्रायोस्फीयर, ईवोस्ट क्लिनिक। मोस्टली हमने कवर कर चुके हैं आर्टिकल, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप उसको नोट कीजिए। जैसे एम हरियाली टर्म है, इसको अभी नहीं कवर किया है, तो आप ऐसी टर्म्स को याद रखिए, क्योंकि यूपीएससी कई बार पॉइंट करके पूछ लेता है कि ये टर्म स्पेशली रिलेटेड टू व्हाट। और देखिए, द हिंदू का एक शायद डेविशन नाम से एक टर्म पूछी गई थी और वो द हिंदू में डायरेक्ट थी, जनवरी में भी आई थी द हिंदू में, और आई थिंक मई के फर्स्ट मई को भी पूछा हुआ था वो आर्टिकल, तो आया हुआ आर्टिकल। तो आप ऐसे इग्नोर मत करना और ऐसी टर्म्स को आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं ग्लोबल सल्फर गैप, कंप्लाइंट फ्यूल ऑयल है, अटल जल, जल जीवन मिशन, COP25, ग्लोबल कार्बन बजट है, ऑपरेशन क्लीन अर्थ, और टोरेफेक्शन है, वाइल्ड लाइफ क्राइम्स हैं, और नेक्स्ट है हमारा UNCCD COP14 है, 4P1000 इनिशिएटिव है, TICD का, UN क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क, गांधी सोलर पार्क है, विंड अगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट है। ठीक है, तो ये जो भी आर्टिकल हैं, ग्लोबल टाइगर फॉर्म हो गया, गिल ऑक्सीजन लिमिटेशन थ्योरी हो गया, मरादू, जो भी आर्टिकल्स आपको लगता है ये आपके कवर नहीं हुए हैं, आप उनको नोट कर सकते हैं और फिर स्पेशल सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये चाहिए कि आपको ये वाजिराम की जो क्विक रिवीजन की बुक है ये आपको चाहिए, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल, जितने भी मेरे पास मेल आएंगे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी वन। ठीक है गाइज, क्योंकि मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर सकता, फिर मेरे को कॉपीराइट मिलेगा या फिर ये सब, तो इन सब में नहीं फंसना है आपको। जरूरत हो तो आप मेल कर सकते हैं, आपको मिलेगा ये। ठीक है, वैसे आप नोट करके और सर्च कर सकते हैं। वैसे अगर आप जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स विजन आई से कवर करते हैं तो आर्टिकल हो जाएंगे कवर। अगर कुछ टर्म आपको लगती है कि नहीं है तो आप उसको नोट कर सकते हैं और आप उसको सर्च कर सकते हैं फिर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए, सरल है, फ्रूट बैट है, गृहिया है, फिर ये फ्लाइक्सकम है, ओशियन एनर्जी है, इलीगल ट्रेड इन टाइगर है, ब्लू वेल है, हेराकल्स हैं, IPCC की रिपोर्ट लैंड एंड क्लाइमेट चेंज पे है, फोर्थ साइकिल ऑफ मीटर है, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन है, जल शक्ति अभियान है, और मोस्ट ऑफ द मेरे ख्याल से आर्टिकल मैंने कवर किए हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था इससे, परसेंटेज का पूछा हुआ था फॉरेस्ट परसेंटेज का, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, या फिर क्योंकि भाई लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा है तो जाहिर सी बात है बहुत रेयर होता है कि कोई क्वेश्चन उसी टॉपिक से उठा लें, लेकिन UPSC लास्ट 5-6 ईयर्स में आपको देखने को मिलेगा, कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो उन टॉपिक से उठाए हुए हैं। मैं प्रूफ के साथ आप बता सकता हूँ, और अगर आप करेंगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा, आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए आर्टिकल्स, अर्थ ओवरशूट डे है, वाइल्ड रिसोर्स रिपोर्ट है, ड्राफ्ट नेशनल रिसोर्स पॉलिसी है, कुसुम है, ग्राउंड वाटर ईयर बुक है, प्लांट टू कन्वर्ट प्लास्टिक वेस्ट इनटू डीजल, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म फॉर सोलर, इंडियन ग्रे वोल्फ है, कोरिंगा मैंग्रोव्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिए आप, डेजर्टिफिकेशन, एशियाटिक गोल्डन कैट है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड अडेप्टेशन, और ये मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, ये रिसोर्स इफिशियंसी वाला है, तो हम कर चुके हैं इसको कवर। पेट बोटल्स हो गया, स्टबल बर्निंग, बहुत बर्निंग इशू है ये भी। ठीक है गाइज, तो आप ऐसे इशू को ध्यान रखिए। अब देखिए, आपको बहुत बार लगता है कि इससे क्या पूछेगा, लेकिन यार बेसिक से बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमी सेक्शन की बात करेंगे तो आप बहुत बेसिक पूछा हुआ है आप। ठीक है गाइज, तो आप ऐसा मत सोचिए, और हम उसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस फील करके और उसी को गलत करके आते हैं, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए। तामजी मरावन है, वेलिंग है, अर्थ अलायंस है, आर्कटिक
फोक्स है, डेजर्ट लोकस्ट है, और ये जितने भी आर्टिकल ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 है, लेसर फ्लोरिकन है, जितने भी आर्टिकल हैं, तो आप उस आर्टिकल को ध्यान रखिए गाइस, ठीक है, और आप इनको अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का जो वीडियो था, यहीं पे ख़त्म होते हैं। आप इनको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो या आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं thecivilian96@gmail.com। सेव नेचर, सेव द मदर अर्थ। जय हिंद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।